उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अब तक विपक्षी दल ही बीजेपी को आईना दिखा रहे थे, अब तो एनसीआरबी ने भी अपने आंकड़ों से योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2017 में जब सूबे की सत्ता हाथ में ली तो कई बड़े बड़े दावे किए गए, जिसमें किसान कर्ज माफी और सख्ती से कानून व्यवस्था का शासन स्थापित करने का भी वादा शामिल था। लेकिन अब सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है, जिसे लेकर विपक्ष भी काफी पहले से ही योगी सरकार को आईना दिखा रहा है। वहीं अब एनसीआरबी ने साल 2017 में देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो डेटा जारी किया है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले यूपी से सामने आए हैं। साल 2016 में 49,262 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जो साल 2017 में बढ़कर 56,011 हो गई। एनसीआरबी के मुताबिक देश के कुल दर्ज होने वाले मामलों में करीब 14% उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। साथ ही योगी सरकार को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। साथ ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि पूरे देश में महिलाओं के प्रति सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। एक साल में 56,000 से ज्यादा, और इसमें वो घटनाएं शामिल भी नहीं है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। क्या ये आंकड़ा इतना भी गंभीर नहीं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते? बेटी बचाओ अभियान के कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में घूमते हुए उन्हें शर्मानी चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की बीजेपी सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई हो। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार पर निशाना साध चुकी है, मगर सरकार इन सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट पर योगी सरकार कैसे खुद का बचाव करती है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।